नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एईएस प्रभावित जिलों में अब होगी 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं। बिहार के रामायण प्रसाद साइकिल पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए हुए रवाना। इस समय तक बिहार में आ सकता है मॉनसून। बिहार में टूटा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज बिहार के 6 पंचायतों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से 4 मई तक खुला रहेगा बिहार बोर्ड का कंट्रोल रूम। इंटर कंपार्टमेंट सह विशेष परीक्षा के लिए बिहार भर में 105 परीक्षा केंद्रों का निर्माण होने वाला है। परीक्षा में राज्य भर से 46,988 परीक्षार्थी शामिल होंगे। उनमें 22,378 छात्राएं और 24,610 छात्र शामिल होंगे। इसके बाद अब परीक्षा कल यानी कि सोमवार से शुरू होने वाली है, जो कि 5 मई तक 2 पाली में ली जाएगी। पहले दिन प्रथम पाली में गणित और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में जीव विज्ञान कला संकाय से इतिहास विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक ली जाएगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम 24 अप्रैल से 4 मई तक सुबह 6 से 10 बजे तक चलेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आलोक धनवा की। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 ईसा में मुंगेर बिहार में हुआ। वो हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान और साहित्यिक सेवाओं के लिए राहुल सम्मान भी मिला है। पटना निवासी आलोक धनवा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत थे। आज बिहार के 6 पंचायतों को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी कि 24 अप्रैल को प्रदेश की 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसमें चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के लिए नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के सुंदरी ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड के लिए वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड स्थित अधरवारा ग्राम पंचायत का चयन हुआ है। इसकी जानकारी खुद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 2022 के अवसर पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत पल्ली में मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला प्रखंड और ग्राम पंचायतों को सम्मानित करेंगे। इस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को ग्राम सभा के माध्यम से भी मनाया जाएगा। परिषद सदस्यों ने उठाया पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते का सवाल। बिहार विधान परिषद में पूर्ण रूप से नेवा लागू होने वाला है। इसका लाभ परिषद सदस्यों ने अब लेना शुरू कर दिया है। सत्र नहीं रहने की अवधि में भी सदस्य तारांकित सवाल सरकार से पूछने लगे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में नवनिर्वाचित सदस्य अजय कुमार सिंह ने पंचायत प्रतिनिधियों के भत्ते को लेकर सवाल किया है। पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता बहुत ही कम है। महंगाई को देखते हुए सरकार के पास भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव लंबित है, लेकिन अब तक इस पर फैसला नहीं हो सका है। लिहाजा सरकार को बताना चाहिए कि कब तक भत्ते में वृद्धि की जाएगी। केंद्र ने जेपी सेतु के समानांतर पुल का अलाइनमेंट मंजूरी के लिए भेजा प्रस्ताव। बिहार की राजधानी पटना के दीघा सोनपुर के बीच गंगा नदी पर बने जेपी सेतु के समानांतर बने नए 6-लेन पुल के निर्माण को लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अलाइनमेंट तैयार कर उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजने का काम किया है। उच्च स्तर पर इस विषय को लेकर प्रेजेंटेशन के बाद अलाइनमेंट को स्वीकृति दिया जाएगा। अलाइनमेंट स्वीकृत होने के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी। पूर्व में जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल को 4 लेन में बनाया जाना था। इस समय तक बिहार में आ सकता है मॉनसून। पूरे देश के साथ ही बिहार के मौसम में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में भी बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि इंडियन ओशन में एक्टिव लनीना के कारण वेदर डिपार्टमेंट का पूर्वानुमान है कि पूरे देश में मॉनसून समय से आएगा और बारिश सामान्य या फिर सामान्य से अधिक हो सकती है। हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए गए इंटरव्यू में मेट्रोलॉजिस्ट आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि हिंद महासागर में सरफेस पर गर्मी के कारण प्रभाव पड़ा है। इधर मौसम के जानकारों का कहना है कि हिंद महासागर में जब लानीना एक्टिव होता है तो मॉनसून प्रभावी होता है, लेकिन इस बार लानीना एक्टिव होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार मॉनसून 13 से 15 जून के बीच में सक्रिय हो सकती है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ऑपरेशन टेक्नीशियन, बॉयलर टेक्नीशियन, रखरखाव टेक्नीशियन, प्रयोगशाला विश्लेषक, कनिष्ठ अग्नि और सुरक्षा निरीक्षक के कुल मिलाकर 186 पद पर आवेदन करने की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटिशन सर्टिफिकेट कोर्स बैचलर्स ऑफ साइंस के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स 7% अंकों के साथ, रसायन विज्ञान के साथ ही विज्ञान में अंक या फिर मास्टर्स डिग्री, वैध HMV लाइसेंस के साथ ही विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। AES प्रभावित जिलों में अब होगी 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं। बिहार में गर्मी के बढ़ने के साथ ही कई बीमारियां भी अपना रौद्र रूप दिखाने लगती है, जिसमें से एक है AES की बीमारी, जो हर साल इसी महीने के आसपास बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू करती है। हालांकि इस बार बिहार सरकार पहले से ही अलर्ट मोड में काम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बचाव और उसके उपचार को लेकर पुख्ता तैयारी विभाग कर रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे डॉक्टर और नर्सों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा रही है। इन कर्मियों की उपस्थिति को लेकर मोबाइल पर अपडेटेड दर्पण प्लस ऐप इंस्टॉल कराया जा रहा है। बिहार में कई शहरों की आबादी घटी तो कई शहरों में बढ़ी आबादी। बिहार में नए नगर निकायों के गठन और उत्क्रमण के बाद 3 दर्जन से अधिक शहरों की आबादी में बदलाव देखने को मिल रहा है। नए निकायों में वार्डों के पुनर्गठन के बाद अब 25 शहरों की आबादी बढ़ गई है, वहीं 14 शहरों की आबादी घटी है। सबसे अधिक अंतर बिहार शरीफ नगर निगम की जनसंख्या में आया है। इस शहर की आबादी 69,141 घट गई है। इसके अलावा बक्सर नगर परिषद में 7,999, जानकी नगर पंचायत में 8,066 और भवानीपुर नगर पंचायत में 5,634 लोग कम हुए हैं, यानी कि पुनर्गठन के कारण ही आबादी दूसरे शहरी निकायों के वार्ड में स्थानांतरित हो गई है। बिहार में अब यूरोप के विशेषज्ञ ढूंढेंगे फुटबॉलर। बिहार के सभी फुटबॉल के दमदार और प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज अब टैलेंट हंट कार्यक्रम के माध्यम से होने वाली है। पहली बार फुटबॉल टैलेंट हंट का आयोजन बिहार में 25 और 26 अप्रैल को होने जा रहा है। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण की तरफ से खिलाड़ियों के चयन के लिए यूरोप की मशहूर कंपनी प्रो शॉकर ग्लोबल के विशेषज्ञ पटना आने वाले हैं। लंदन के 2 फुटबॉल क्लब के विशेषज्ञ बिहार के बच्चों में फुटबॉल का हुनर देखकर उन्हें प्रशिक्षण के लिए चुनेंगे। बिहार राज्य खेल विकास प्राधिकरण की तरफ से 100 खिलाड़ियों का चयन किया जा चुका है। अब इनमें से 30 खिलाड़ी टैलेंट हंट के जरिए चुने जाएंगे। ध्यान रहे, इसमें केवल अंडर-16 के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। बिहार के रामायण प्रसाद साइकिल पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए हुए रवाना। बिहार के सारण के भैरोपुर निजामत के रामायण प्रसाद चौरसिया जन वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर अधिकारियों का ध्यान नहीं होने और जनता से ठगी की शिकायत को लेकर बीते दिन अपने साइकिल से राष्ट्रपति से मिलने के लिए रवाना हो गए। वो राष्ट्रपति कार्यालय नई दिल्ली के लिए साइकिल से चल पड़े। देश की राजधानी पहुंचकर रामायण प्रसाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिकायत करेंगे। जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के भैरोपुर निजामत के निवासी रामायण प्रसाद के दिल्ली जाने से पहले इलाके के निवासियों ने उनकी इस सोच की सराहना की और उनका स्वागत किया। वहीं उनकी चर्चा भी मीडिया की सुर्खियों में तेज हो गई है। रोहतास के शेरशाह सूरी का मकबरा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। शेरशाह सूरी का मकबरा जिले का प्रमुख पर्यटन आकर्षण है। ये मकबरा शेरशाह के जीवन काल के साथ साथ उनके बेटे इस्लाम शाह के शासन काल में बनाया गया था। इसका निर्माण शेरशाह के देहांत के 3 महीने बाद 16 अगस्त 1545 में पूरा हुआ। सासाराम में स्थित यह मकबरा कृत्रिम झील के बीच बना हुआ है। ये मकबरा इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसे भारत के दूसरे ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। बिहार को अक्षय तृतीया के मौके पर मिलेगी सौगात। बिहार को अक्षय तृतीया के मौके पर बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये सौगात बिहार के भागलपुर जिले से मिलेगी, जिसके तहत ही अगर स्थानीय प्रशासन और नागरिक विमानन मंत्रालय की तरफ से लैंडिंग और टेक ऑफ की अनुमति मिल जाती है तो राइप एयरलाइंस 3 मई को भागलपुर से विमान उड़ान भरने वाले हैं। उक्त बातें राइप एयरलाइंस के CMD विजेंद्र कुमार मिश्र ने कही है। साथ ही इस दौरान राइप एयरलाइंस की टीम ने सांसद अजय कुमार मंडल, ADM राजेश झा राजा, मुख्यालय DSP के साथ भागलपुर हवाई अड्डा के रनवे का जायजा लिया। गाड़ी के सहारे रनवे की लंबाई का भी जायजा लिया गया। सीएम नीतीश का बदला आशियाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशियाना बीते दिन एक बार फिर से बदल गया है। वो 7 सर्कुलर रोड में रहेंगे। ये बंगला मुख्यमंत्री आवास के बगल में ही है। नीतीश कुमार पहले भी यहां रह चुके हैं। फिलहाल एकड़े मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास को खाली करने की वजह रिपेयरिंग बताई जा रही है। यहां पर जल्द ही मरम्मत का काम शुरू होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन सुबह ही सीएम की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से हुई थी।
पटनायक शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल सीट को लेकर कही बड़ी बात। पश्चिम बंगाल की आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा बीते दिन वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव कार्यक्रम में शिरकत होने पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले तो पटना में ही वीर कुंवर सिंह की प्रतिभा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान ही उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वीर कुंवर सिंह से ही प्रेरणा लेकर हमने सभी को खामोश कर दिया है। ऐसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम में ये जो प्रेरणादायी के लिए हम आए हैं यहाँ प्रणाम करने और लोगों का हौसला अफजाई करने, ऐसे में मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त राजनीति की कोई बात होनी चाहिए। जमानत के बाद लालू प्रसाद यादव को मिली दूसरी खुशखबरी। बीते दिनों डोरंडा कोषागार मामले में मिली जमानत के बाद बीते दिन लालू प्रसाद यादव को एक और बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत उन्हें शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम स्मिता राज ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को एक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत दे दी है। ऐसे में तेजस्वी तेज प्रताप तो खुश हैं ही, राजद में भी जश्न का माहौल है। अब जल्द ही लालू प्रसाद यादव के बिहार आने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल न्यायिक हिरासत में लालू का इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि लालू अगले सप्ताह बिहार में होंगे। बिहार में टूटा पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड। बीते दिन बाबा वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा झंडा फहराकर पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 77,990 झंडे फहराए गए। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इस दौरान ही अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार वीर कुंवर सिंह के नाम पर स्मारक बनवाएगी। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं तक उनकी वीरगाथा पहुंचनी ही चाहिए। भारत माता की ऐसी जयकार करिए कि गूंज कश्मीर के कन्याकुमारी तक जाए। उन्होंने मंच से कई बार भारत माता की जय का उद्घोष किया। इससे पहले आरा में मंच पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने के बाद तलवार भी भेंट की गई। पीएम आवास योजना में घुसखोरी को लेकर मंत्री जामा खान ने कही बड़ी बात। गरीबों को पक्का आशियाना मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना से सरकार राशि मुहैया करवा रही है, लेकिन इस आवास योजना में बड़ी घुसखोरी की खबर सामने आई है। आवास योजना में बड़ी घुसखोरी की खबर एक मीडिया हाउस पर आने के बाद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान मान रहे हैं कि पूरे बिहार में आवास योजना में घुसखोरी की बात सामने आ रही है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान बीते दिन अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। इसी दौरान ऑन स्पॉट निपटारे के लिए अधिकारियों से बात कर समस्याओं का तुरंत समाधान करने की बात कही। सीएम नीतीश ने दी भाजपा को दो टूक नसीहत। बीते दिन वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आर ब्लॉक स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन उन्होंने किया। इस दौरान ही उन्होंने वीर कुंवर सिंह को देश का महान योद्धा बताया और उनकी वीरता को याद किया। इस दौरान ही सीएम नीतीश ने बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य को याद करते हुए भाजपा को बड़ी नसीहत दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह समाज के सभी तबकों को जोड़कर चलते थे। इस बात को सभी को याद रखने की जरूरत है। जगदानंद सिंह ने कहा नीतीश कुमार है अस्थिर दिमाग के व्यक्ति। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसे ही विपक्ष के इफ्तार पार्टी में पहुंचे तब से ही बिहार के राजनीतिक गलियारे की आबोहवा बदल गई है। बयानबाजियों का सिलसिला ही तेज हो गया है। इस बीच अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सीएम नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि इफ्तार में निमंत्रण का मतलब साथ आना नहीं होता। राजद की तरफ से उनको कोई कुर्सी नहीं मिलने वाली। अस्थिर दिमाग का व्यक्ति जो जनहित के बदले अपनी कुर्सी को देखता हो उस पर बिहार को भरोसा नहीं रह गया। जनादेश तेजस्वी के पक्ष में है, नीतीश कुमार ने उसे लूट लिया था। जगदानंद सिंह ने ये बातें पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए कही। स्टील उत्पादन में भारत ने बनाया विश्व कीर्तिमान। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने विश्व स्तर पर अनूठे प्रदर्शन के लिए भारतीय इस्पात उद्योग की प्रशंसा की और उन्हें इस श्रेष्ठ उत्पादन को 2022 से सतत बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। अमृतकाल में देश की स्टील उत्पादन क्षमता को 500 मिलियन टन तक बढ़ाने में इस उत्पादन गति में मदद मिलेगी। आरसीपी सिंह की माने तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन संस्थान द्वारा 22 अप्रैल को जारी किए गए डेटा के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में केवल भारत ने जनवरी से मार्च 2022 की अवधि में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। भारत ने इस अवधि में 31.9 मिलियन टन उत्पादन कर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.9% की वृद्धि दर्ज की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने 1815 में आज ही के दिन 200 साल पूरे किए। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता। 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री शम्मी का जन्म हुआ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का 1973 में जन्म हुआ था। हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का 1974 में आज ही के दिन
निधन हुआ था। व्हाट्सएप में आया ग्रुप से जुड़ा एक खास फीचर। व्हाट्सएप अपने ग्लोबल यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को पहले से और बेहतर बनाने के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा एक बेहद सुविधाजनक और काम का फीचर लाई है। इस फीचर का नाम है क्रिएट ग्रुप शॉर्टकट। नए फीचर की मदद से यूजर किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ शॉर्टकट के जरिए तुरंत ग्रुप बना सकते हैं। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार क्रिएट ग्रुप शॉर्टकट का ऑप्शन यूजर को कॉन्टैक्ट इन्फो सेक्शन में मिलेगा। बताया जा रहा है कि शॉर्टकट पर टैप करने के साथ ही व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली उस कॉन्टैक्ट को एक नया ग्रुप बनाने के लिए ऐड कर देगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,050 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 53,500 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,600 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.03 रुपए प्रति लीटर थे। हैदराबाद की लगातार पांचवी जीत। सनराइजर हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 9 विकेट से हरा दिया है। हैदराबाद ने बैंगलोर के 69 रनों के छोटे से लक्ष्य को एक विकेट खोकर 8 ओवर में ही हासिल कर लिया। केन विलियमसन की अगुवाई में हैदराबाद की ये सीजन की लगातार पांचवी जीत है और वो अंक तालिका में अब दूसरे स्थान पर काबिज हो गई है। वहीं RCB की यह तीसरी हार है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम सिर्फ 68 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद सनराइजर हैदराबाद ने सिर्फ 8 ओवर में ही एक विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया। इस जीत के साथ ही सनराइजर हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई। हालांकि आरसीबी की टीम भी अभी टॉप 4 में मौजूद है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता कुमारी, गौतम कुमार, अनवर करीम, रिशु कुमार रॉयल, विजय घायल, सत्येंद्र कुमार, नुन्नू कुमार, मनीष मोहरा ऑफिशियल, विकास कुमार, राजीव कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अब तक खेले गए IPL मैच को देखकर आपको क्या लगता है कौन जीत के प्रबल दावेदार है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।